नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। चलिए डालते हैं एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय कृषि से जुड़ी विशेष खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार दुनिया खाद कीमतों में वृद्धि का सामना कर रही है, जबकि कुछ देशों को भोजन की कमी है और यहां तक कि भुखमरी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये यूक्रेन में युद्ध का परिणाम है जो पहले ही 3 महीने तक चला है। खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष फोरम 2030 तक भुखमरी मिटाने पर केंद्रित है। इजराइल के ऊर्जा मंत्रालय में एक प्रवक्ता ने 6 जून को कहा कि इजिप्ट, इजराइल और यूरोपीय संघ यूरोप को इजरायली गैस के निर्यात की अनुमति देने के लिए 1/3 समझौता की दिशा में काम कर रहे थे। हालांकि यूरोप में सीधे इजरायली गैस की आपूर्ति की अनुमति देने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, जिसका मतलब है कि इजिप्ट के 2 LNG प्लांट्स के माध्यम से डिलीवरी की सुविधा प्रदान करनी होगी। मई में चीन के स्वतंत्र रिफाइनिंग क्षेत्र का फीड स्टॉक आयात 34 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, क्योंकि प्रमुख शहरों में लंबे समय तक बंद रहने से कच्चे तेल की खरीदारी सीमित हो गई। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि जून में शाखा में सुधार हो सकता है, क्योंकि सस्ते रूसी डिलीवरी के साथ कोविड-19 प्रतिबंध धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कच्चे तेल और ईंधन तेल सहित निजी रिफाइनिंग क्षेत्र का कुल फीड स्टॉक आयात अब तक के सालाना आधार पर 30% गिरकर 10.88 मिलियन टन हो गया है, जो अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम मासिक शिपमेंट है। अमेरिकी कृषि विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री सेठ मेयर का कहना है कि 2022 के लिए रिकॉर्ड मकई और सोयाबीन उत्पादन की भविष्यवाणी USDA ने की है, जिससे संभावना है कि फसल के समय कीमतें कम होंगी। उनका कहना है कि राजस्व आधारित फसल बीमा किसानों को उन कम फसल कीमतों में से कुछ से बचाने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये उपज और कीमत में उतार चढ़ाव दोनों के लिए जिम्मेदार है। ये किसानों को उनके वित्तीय संतुलन से कृषि कीमतों में कुछ गिरावट को लेकर जोखिम प्रबंधन उपकरण प्रदान कर सकता है। 2021 में यूक्रेन ने 107 मिलियन टन अनाज और तिलहन की कटाई की। युद्ध शुरू होने तक देश 70 मिलियन टन में से 43 मिलियन टन निर्यात करने में कामयाब रहा। इसका मतलब है कि निर्यात के लिए आयोजित 27 मिलियन टन अनाज यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 4 मिलियन टन तक अनाज और तिलहन टर्मिनलों और बंदरगाहों में फंसे जहाजों पर है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।